अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1990 में की गई थी। वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन हर पल हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन उनके प्रति मन में छुपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए एवं बुजुर्गों के प्रति चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर भी एक दिन निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1990 में की गई थी। विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया गया। तब यह तय किया गया कि हर साल वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देवकी नंदन चौक स्थित देवकी नंदन उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रांगण में समाज कल्याण विभाग के द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक शैलेश पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुँचे सभी वरिष्ठ नागरिकों का यहाँ सम्मान किया गया, तो वहीं शहर विधायक ने वरिष्ठ नागरिकों के पर हुए और उनका सम्मान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर में आज सभी पूरे बिलासपुर के वरिष्ठ जनों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ। हमारे सभी पार्षद साथी लोग ने आज सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान किया यहां पर, और मैं यही कहना चाहता हूं सभी से कि सभी वरिष्ठ जन जो है वो हमारी धरोहर है, वो हमारी अमानत है, और अगर हम अपने वरिष्ठ जनों की वृद्ध जनों की सेवा करते हैं तो ये सेवा ईश्वर की सेवा कहलाती है। मैं इस बात को मानता हूँ और आज के दिन मैं सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन सभी को स्वस्थ रखें।